अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बायोजूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर पूनम के साथ आज का एक नया टॉपिक है क्लास प्लस वन का, और जो टॉपिक है वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से। और उससे ही ना होके ये टॉपिक बहुत 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 सारे अलग अलग फील्ड में भी यूज होता है, और जो टॉपिक है वो है RH फैक्टर। सो व्हाट इज RH फैक्टर, इंडिया के अंदर ये कितना है, और RH फैक्टर से प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, अगर कोई RH पॉजिटिव है तो उसको क्या बेनिफिट्स हैं, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स हम सब कुछ इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूंगी बेटा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, सो जो RH फैक्टर है वो RH फैक्टर भी एक टाइप के एंटीजन पे डिपेंड करता है, एंड दिस टाइप ऑफ एंटीजन इज फाउंड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि आरबीसी की मेम्ब्रेन पर लगभग 30 डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिफाइन द ब्लड ग्रुप इन वेरियस स्ट्रीम्स। ओके, सो आउट ऑफ विच वन एंटीजन डिनोट विच वन एंटीजन डिफाइन व्हाट इज RH फैक्टर। सो RH फैक्टर जो है वो सबसे पहले लैंडस्टीनर एंड विनर, एंड विनर ने इसको डिस्कवर किया था, लैंडस्टीनर एंड विनर ने इसको डिस्कवर किया था इन 1940 के अंदर RH फैक्टर को डिस्कवर किया गया था। RH मींस बेसिकली अगर उन्होंने डिस्कवर किया तो इट इज फाउंड इन रिसेस मंकीज के अंदर ये मिला था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कॉल्ड इट एज ए RH फैक्टर। और RH जो है ऑलवेज एंड ऑलवेज डोमिनेंट कंडीशन में, RH को बनाने व RH एंटीजन को बनाने के लिए एक जीन है जिसकी वजह से इसका एंटीजन बनता है, एंड दिस जीन इज इन डोमिनेंट कंडीशन। अब ये डोमिनेंट का मतलब मान लीजिए कोई RH की जीन को हम R से लिखते हैं, ओके, तो इसका मतलब इसके दो फॉर्म होंगे, एक तो डोमिनेंट और एक रिसेसिव। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी दोनों ही है, या तो कैपिटल R या कैपिटल R स्मॉल R। इसका मतलब इसमें भी पर्सन RH पॉजिटिव होगा, इसमें भी RH पॉजिटिव होगा, और इसमें RH नेगेटिव होगा। इसका मतलब RH अगर जीन है, चाहे वो सिंगल हो चाहे डबल हो, वो ऑलवेज पर्सन डोमिनेंट ही होता है। ओके, अब हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि RH फैक्टर का इंडिया के अंदर कितना परसेंटेज है और वर्ल्ड के अंदर कितना परसेंटेज है। इंडिया के अंदर, इन इंडिया RH एंटीजन या RH ग्रुप में RH जो पॉजिटिव है, एक तो RH पॉजिटिव और एक RH नेगेटिव, तो RH पॉजिटिव जो है वो है 97% पॉपुलेशन, और RH जो नेगेटिव है वो रिमेनिंग 3% पॉपुलेशन प्रेजेंट है। क्लियर। लेकिन इन द केस ऑफ वर्ल्ड, अगर हम वर्ल्ड का डाटा देखें तो वर्ल्ड में जो RH पॉजिटिव है वो 80% होते हैं, 80%, और RH जो नेगेटिव है वो होते हैं 20%। आई होप इस डाटा को आप साथ-साथ लिखेंगे। और अमेरिकन ब्लैक जो होते हैं, ये स्पेशली मैं अलग से लिखवा देती हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन ब्लैक पॉपुलेशन जो है वो दे आर 95% RH पॉजिटिव एंड 5% दे आर RH नेगेटिव। इसके अलावा अफ्रीकन ब्लैक की अगर हम बात करें, अफ्रीकन ब्लैक, बिकॉज दिस इज फ्रॉम द रिसेस मंकी, सो एंड ओरिजिन ऑफ अफ्रीकन जो ह्यूमन बीइंग का ओरिजिन है, इट इज आल्सो फ्रॉम द अफ्रीका, सो अफ्रीकन ब्लैक पॉपुलेशन इज 100% RH पॉजिटिव। वहां के हर पर्सन RH पॉजिटिव होते हैं, और अगर पॉपुलेशन टोटली RH पॉजिटिव होती है तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती इन फ्यूचर। सो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि भाई लैंडस्टीनर और विनर ने जो हमें एक नया एंटीजन बताया था उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है। सो RH
सेक्टर जो है इसकी प्रॉब्लम कहां कहां होती है। सबसे पहला तो ये है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कि भाई अगर हमें ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर, डोनर से रिसिपिएंट की तरफ, तो वहां पर दो ही प्रॉब्लम होती हैं। ऑलरेडी हम सभी के सभी टाइप के एंटीजन का टेस्ट करते हैं, तो उसमें से ब्लड ग्रुपिंग के साथ आरएच फैक्टर का भी टेस्ट होता है। सो मान लीजिए अगर डोनर आरएच पॉजिटिव है और रेसिपिएंट आरएच नेगेटिव है, तो उसमें फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन के टाइम मान लीजिए आरएच पॉजिटिव फैक्टर अगर आरएच नेगेटिव वाले के बॉडी में ब्लड एंटर कर जाता है, तो इस आरएच नेगेटिव वाले पर्सन की बॉडी में के ब्लड में उस टाइम एंटीबॉडीज बन रही होती हैं। जैसे ही हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो ब्लड को रिसीव कर लिया जाएगा, लेकिन रेसिपिएंट के ब्लड के अंदर एंटीबॉडी बन जाएंगी। लेकिन अगर हमने सेम ब्लड दोबारा इसके अंदर ट्रांसफ्यूज किया, तो ये एंटीबॉडी इस आरएच फैक्टर के एंटीजन के साथ क्लॉक हो जाएंगी। सपोज दिस इज एंटीबॉडी इन द ब्लड ऑफ रेसिपिएंट जिसने ऑलरेडी ब्लड को रिसीव किया हुआ है, और आरएच डोनर के सरफेस के ऊपर एंटीजन लगा हुआ है। तो अगर फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ एंटीजन बना, एंटीबॉडी बनी है। लेकिन अगर हमने सेम ब्लड अगेन, ये फर्स्ट टाइम था, लेकिन अगर हमने यही सेम ब्लड सेकंड टाइम ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो यही सेम एंटीजन आएगा, और इस सेम एंटीजन के खिलाफ ये एंटीबॉडी उसको फाइट करेगी और इसके ब्लड को क्लॉट कर देगी और एग्लूटिनेशन हो जाएगा। एग्लूटिनेशन, और एग्लूटिनेशन होने की वजह से बॉडी के अंदर ही पूरा का पूरा ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड फ्लो रुक जाएगा एंड द पर्सन बिकम डेड। क्लियर? सो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है आरएच फैक्टर की, वो होती है ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम कब होती है। सेकेंड प्रॉब्लम इज बिटवीन द मैरिज ऑफ द टू पर्सन विच आर आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव। मान लीजिए हम केस लेते बिटवीन, दूसरी होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो व्हाट हैपेंड, हम दोनों केस ले लेते हैं यहां पे। फर्स्ट केस लेते हैं यहां पे व्हेन फादर इज आरएच नेगेटिव, आरएच नेगेटिव फादर है, एंड मदर जो है वो आरएच पॉजिटिव है। ऑब्वियसली मैंने ये बताया है कि फादर और मदर में कोई भी आरएच पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर एक भी आरएच पॉजिटिव है तो जो फीटस है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा, आरएच पॉजिटिव। लेकिन यू नो दिस फिटस इज ग्रोन इन द वोम ऑफ मदर दैट इज ऑलरेडी आरएच पॉजिटिव। ये उस मदर के वोम में फ्लरिश कर रहा है जिसकी वोम ऑलरेडी क्या है, आरएच पॉजिटिव है। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम बिटवीन दिस और फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितनी भी प्रेगनेंसी हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मदर ऑलरेडी क्या है, आरएच पॉजिटिव है, और जो फीटस होंगे वो आरएच पॉजिटिव ही होंगे। क्लियर? ओके, अब हम दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरा केस है व्हेन द फादर इज, दिस इज फादर एंड नाउ दिस इज आरएच पॉजिटिव एंड दिस इज मदर, दिस इज आरएच नेगेटिव, दिस इज मदर। सो अब क्या होगा, फीटस जो होगा ऑलवेज इट इज, फीटस इज आरएच पॉजिटिव, और ये फीटस जो है ये डेवलप कर रहा है इन द फीटस ऑफ आरएच नेगेटिव मदर। सो दिस इज मदर एंड मदर इज ऑलरेडी आरएच नेगेटिव, बट दिस डेवलपिंग फीटस
is Rh positive. So as they having the connection of placenta between the mother and fetus, तो होगा क्या, ये Rh negative blood जैसे ही fetus में enter करेगा तो ब्लड चेक करेगा कि यहां पर जो ब्लड फ्लरिश कर रहा है, ये जो ब्लड डेवलप कर रहा है, ये तो क्या है, आरएच पॉजिटिव। तो धीरे धीरे मदर के ब्लड में एंटीबॉडी बन जाएंगी, एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड इन फर्स्ट कॉन्टैक्ट व्हेन मदर का जो ब्लड एंटर करेगा फिटस के अंदर। तो फिटस तो आरएच पॉजिटिव है तो मदर की बॉडी एंटीबॉडी बना लेगी फर्स्ट कॉन्टैक्ट में, फर्स्ट जो बेबी डेवलप कर रहा था उस टाइम। तो इसका मतलब जो मदर का ब्लड है अब उसके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है अगेंस्ट आरएच पॉजिटिव एंटीजन। लेकिन जब ये एंटीबॉडी बनेगी तब तक जो फीटस था उसने अपना सिस्टम बना लिया है, उसने अपने खुद के अंदर ब्लड सेल्स बनाने का सिस्टम डेवलप कर लिया है, तो ये फीटस नॉर्मली डेवलप हो जाएगा। क्योंकि मदर के ब्लड ने जब डिटेक्ट किया उसको, तब तक क्या था, ब्लड का जो फीटस था उसके अंदर उसका खुद का एरिथ्रोपोएटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया था और उसने खुद भी अपना बॉडी के अंदर ब्लड बनाना स्टार्ट कर दिया था। और मदर के अंदर स्टिल एंटीबॉडी बनी है, उसने उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। लेकिन अगर सेम कंडीशन रही और प्रेगनेंसी सेकेंड टाइम है, दिस इज द सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी ऑफ द सेम मदर बिटवीन द सेम फादर, तो अगर सेम प्रॉब्लम है तो अब यहां पर जो मदर है उस मदर के ब्लड में ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं और मदर यहां पे आरएच नेगेटिव है, लेकिन दिस डेवलपिंग बेबी इज अगेन आरएच पॉजिटिव। जैसे ही जो फीटस की बॉडी के अंदर ब्लड जाएगा मदर का, तो फिर जो मदर का ब्लड है इट ऑलरेडी हैव द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आरएच पॉजिटिव फैक्टर। सो ये इजीली क्या करेंगी, इसके फिट डेवलपिंग फीटस के ब्लड को क्लॉट कर देंगी और इस डेवलपिंग फीटस के ब्लड के अंदर आरबीसी की एंटीजन के साथ टाई अप हो जाएंगी और पूरे के पूरे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लॉट कर देंगी, जिसकी वजह से ये जो डेवलपिंग फीटस है इसकी बोन के अंदर ही डेथ हो जाएगी। ओके, मान लीजिए दीज आर वेरी स्मार्ट पेरेंट्स एंड उन्होंने ऑलरेडी जेनेटिक काउंसलिंग करवा रखी है, दे नो दैट वी आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव और कमिंग फ्यूचर का जो फीटस है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि अगर फादर मदर को पता है कि हमारे सेकंड बच्चे को ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो उस कंडीशन में ये हो सकता है कि इस मदर के इम्यून सिस्टम को बहुत वीक किया जाता है, इन एंटीबॉडीज को इतना डाउन कर दिया जाता है कि ये रिकॉग्नाइज ही ना करे आरएच पॉजिटिव एंटीजन को। तो इस कंडीशन में मदर को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और उस मदर बहुत ज्यादा डिजीज के टुवार्ड्स ससेप्टिबल रहती है और ये जो डेवलपिंग फिटस है ये नॉर्मल के बजाय एनीमिक होता है। लेकिन अगर नॉर्मली विदाउट एनी प्रॉब्लम के, सॉरी विदाउट एनी रिकॉग्निशन के डेथ हो जाए, तो इस डिजीज को बोलते हैं हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, या इसको हम कह सकते हैं प्री एरिथ्रोब्लास्टिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। और अगर इस बेबी का बर्थ भी करवाते हैं तो ये बेबी नॉर्मली एनीमिक ही होता है। क्लियर भी? तो ये डिमेरिट्स होते हैं आरएच पॉजिटिव के। लेकिन जो अफ्रीकन पॉपुलेशन होती है, अफ्रीकन पॉपुलेशन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज दे ऑल आर टोटली 100% आरएच पॉजिटिव। बट दीज प्रॉब्लम आर कॉमन इन द केस ऑफ इंडिया बिकॉज इंडिया हैविंग द 95-97.3% रेशियो ऑफ आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव फैक्टर। सो इट इज एडवाइजेबल बिफोर द मैरिज दैट वी शुड गो फॉर जेनेटिक काउंसलिंग टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। क्लियर भी? सो ये वीडियो जो आरएच फैक्टर के ऊपर है, प्लीज इस वीडियो का डाटा सेव रखिएगा और ये वीडियो आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। थैंक यू।